तो बड़ा दुख की बात है कि हम एक मुस्लिम हो के भी हम इसको निंदा करते हैं या खंडन करते हैं कि राम को ले आए मोदी, राम को ले आए भाजपा। कितना शर्म की बात है। इसका कड़ा जवाब भाजपा को मिला है। भगवान को उड़ लिया है ना, भगवान उनको ले आए हैं। इस फर्क को देखिए कि जो एक इंसान भगवान बना के उनको इंसान बना के दुनिया में भेजा, या भगवान बोलिए अल्लाह बोलिए जो बोलिए, और वो इस तरीका से दावी करने लग रहा है कि भगवान को राम को उन्हें लिया है। कितना शर्म की बात है। हमारे रूबरू हैं INTTUC के नेता मोहम्मद नईम खान। नईम खान की मकबूलियत अपनी जगह है, और आज जिस तरह की ये ऐतिहासिक जीत हुई है इस पे हमें इनसे थोड़ी सी बात करनी है। आइए हम इनसे इस हवाले से बात करते हैं। नईम खान साहब, आज जिस तरह से ये ऐतिहासिक जीत प्रोफेसर स्वागत राय को लेकर पूरे इलाके में एक जश्न का माहौल है, लोग हर तरह से अपनी खुशी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जीत तो दरअसल की जीत आवाम की जीत है, और अध्यापक स्वागत राय 3 बार के पार्लियामेंट खिताब भी मिला चुका है, और 3 बार के MP रह चुके हैं, ये 4th बार। अध्यापक स्वागत राय एक सूझे हुए लोग, और ऐसे लोग कि कोई भी ओकेशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी मसला हो, हर मसले में हर प्रोग्राम में वो शामिल रहते हैं। इस तरीका से एक MP की छोटा से छोटा प्रोग्राम में उपस्थित हो जाते हैं, तो आवाम का मोहब्बत उनको मिला है, और आवाम पूरे मोहब्बत के साथ उनको वोट देकर दिल्ली में भेजने के ठान लिया था वो वोट के दिन। आज तो उनको सर्टिफिकेट मिला, हम लोग निश्चिंत थे कि अध्यापक स्वागत राय जीतेंगे। नईम खान साहब, चूंकि अपोजिशन जिस तरह से थी CPIM, उसके बाद BJP के जो कैंडिडेट थे, कितना चैलेंज था ये पूरा? नहीं, चैलेंज नहीं था, हम लोग अच्छी तरह निश्चिंत थे कि BJP फिरका परस्त पार्टी, जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगने, CPM तो विधानसभा में भी 0 है, आज के बाद से पार्लियामेंट में भी 0 हो गए। इस तरीके से कि उन लोग का आवाम में अगर जाकर वोट मांगेंगे किस बिना पर, 365 दिन तृणमूल कर्मी या तृणमूल के या काउंसलर बोलिए या MLA बोलिए या MP बोलिए, 365 दिन आवाम के बीच में रहते हैं। और ख़ास करके हम लोग जो आवाम के पास गए थे तो काम के ऊपर कि हम लोग अभी तक क्या क्या काम किए हैं, जीतने के बाद क्या क्या काम हम लोग करेंगे, और उसके दौरे में अब BJP को देखिए या CPM को देखिए, एक बार भी मोदी 8-10 बार मोदी कलकत्ता और दिल्ली किए हैं, एक बार भी मोदी नहीं बोले हैं कि हमने हिंदुस्तान को बढ़ाने में, हिंदुस्तान को डेवलप करने में ये काम किए हैं और ये काम बाकी है, ये काम हमको करना है। उन लोग का एक ही नारा था, राम रहीम, जात पात धर्म के नाम पर। तो हिंदुस्तान को लोग जान गए हैं कि पेट चलता है राम के नाम पर, रहीम के नाम पर पेट नहीं चलता है, उन्नयन के नाम पर होता है, नौकरी के नाम पर होता है, बिजनेस के नाम पर होता है। मोदी का की है नहीं जी, जैसा कि ये आपने भी सुना है कि एक स्लोगन चल रहा था कि राम को जो लाए हम उन्हें लाएंगे, लेकिन अयोध्या से मायूसी की खबर है कि BJP वहाँ से हार गई है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा दुख की बात है कि हम एक मुस्लिम हो के भी हम इसको निंदा करते हैं या खंडन करते हैं कि राम को ले आए मोदी, राम को ले आए भाजपा। कितना शर्म की बात है। इसका कड़ा जवाब भाजपा को मिला है। भगवान को उड़ लिया है ना, भगवान उनको ले आए हैं। इस फर्क को देखिए कि जो एक इंसान भगवान बना के उनको इंसान बना के दुनिया में भेजा, या भगवान बोलिए अल्लाह बोलिए जो बोलिए, और वो इस तरीका से दावी करने लग रहा है कि भगवान को राम को उन्हें लिया है। कितना शर्म की बात है। इसलिए हिंदुस्तान के आवाम और ख़ास करके
राम के नगरी में कड़ारी तमाशा लगा है मोदी को, कहीं ना कहीं ये अभिशाप है श्री राम पुरुषोत्तम उत्तम का। एकदम अभिशाप तो है ही, और जो राम ने जो इंसान को बनाए लोगों को मदद करने के लिए, और इस तरीका से मगरूर और घमंड हो गया है कि आवाम के बीच में नहीं साबित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि राम को हमने लिया है, तो भगवान को हूँ लिया है, तो भगवान उनका जवाब दे दिए। और कड़ा जवाब मिलता, मगर कुछ ऐसे लोग हैं दोनों तरफ चलते हैं तो बच गए। मगर फिर भी ये जवाब बंगाल से जो उठा है, बंगाल में जो उठा है, पूरे हिंदुस्तान में उठा है ये जवाब, मोदी को जिंदगी भर याद रहेगा कि उनने भगवान के तुलना की है अपने आप को कि हम भगवान के हमने लिया है। भगवान कौन लिया है, ना भगवान उनको भी है दुनिया में। अच्छा नहीं जी, आज जिस तरह की शानदार जीत हुई है, इस शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे, आवाम को क्या कहेंगे आप? देखिए कार्यकर्ता तो 3 महीना से रास्ते में, रोड में, इलाके में हमारे नेत्री ममता बनर्जी, हमारे आइकॉन अभिष बनर्जी, अध्यापक स्वकोतो राय MP, हमारे मदन मित्रा, आइकॉन सोम मित्रा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे तमाम काउंसलर 1 से लेकर 7 और 1 से लेकर 35 वार्ड के काउंसलर अपने अपने वार्ड में लोगों को बीच में गए हैं। और ये जीत ये तमाम आवाम के हवाले, ये आवाम के चलते काम के बिना के ऊपर हम लोग जाके अपने बात को रखे थे और बात को उन लोग वोटर ने सराहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग को ये जीत हासिल हुई। और ये जीत पूरे कर्मी के साथ साथ पूरे वोटर के हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।